मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में लेंस क्लब ट्रस्ट बुरहानपुर के सौजन्य से निःशुल्क परामर्श क्लिनिक का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर यश शर्मा द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। लॉयंस क्लब की पहल से अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का निःशुल्क इलाज इस क्लिनिक में किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक क्लिनिक मरीजों के लिए खुला रहेगा। यहां डायबिटिक पेशेंट सहित कई बीमारियों का इलाज किया जाएगा। उपचार के लिए सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टर विशेष परिस्थितियों में उपस्थित रहेंगे तथा जरूरत पड़ने पर अन्य डॉक्टरों को भी यहाँ बुलाया जाएगा। गवर्नर यश शर्मा ने कहा कि लॉयंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह का सपना था कि बुरहानपुर में एक हॉस्पिटल प्रारंभ हो, किंतु अचानक उनके निधन होने से अस्पताल प्रारंभ नहीं किया जा सका। इस मौके पर सेवा सदन महा विश्वविद्यालय की समिति अध्यक्ष ठाकुर तरीका सिंह, पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, लॉयंस क्लब अध्यक्ष ठाकुर लक्ष्मण मित्तल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। देखिए, लायंस क्लब जो है ना सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है और बुरहानपुर में लायंस क्लब बुरहानपुर की बहुत अच्छी पहचान सेवा कार्यों से है और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये इससे बस स्टैंड जैसी जगह पर जहाँ पर प्रतिदिन हजारों यात्री का आना जाना लगा रहता है वहाँ पर इस प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुरुआत करना लायंस क्लब बुरहानपुर के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है। लायंस के लिए हम सब के लिए बहुत गर्व और गौरव का विषय है क्योंकि यहाँ कितने लोग आते हैं जिनको आते ही कोई वोमिटिंग या और अन्य प्रकार की तकलीफ होती है। इसी के साथ साथ जैसा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन डॉक्टर मुंगा साहब ने बताया कि ये हमारा डायबिटीज सेंटर भी रहेगा। यहाँ आने वाले समय में हम निःशुल्क जितने भी यहाँ पर यात्री आएंगे उनका डायबिटीज़ का इलाज करके डिटेक्ट करके और उनको उसकी जानकारी भी देंगे। तो ये बहुत अच्छा लायंस क्लब बुरहानपुर का एक परमानेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। आज न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।